इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है बाउंस बैक फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कलबुर्गी कैमरून पीओ कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर हीलिंग ट्री अस्पताल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नैयर रोटरी सर्किल नेहरू स्टेडियम बेदर रहीम देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क भारत में आए दिन मुस्लिम उलमा को और मुस्लिम कायदीन को और मुसलमानों को बिलखसूस निशाना बनाया जा रहा है। इस जिमन में यहाँ बीदर में ये तय हुआ है के कुल जमाती सतह पर इस हरकत जो हुकूमतों की जानिब से हो रही है इसकी मजम्मत की जाए और इस पर एहतजाज किया जाए। तो इस जिमन में यहाँ बीदर में एक कुल जमाती तौर पर एक एहतजाज मुनज्जिम करना तय पाया है और बरोज़ जुमेरात 30 सितंबर को मदरसा महमूद गावान से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी जो बरा है गावान चौक मेन रोड शाहगंज अंबेडकर चौक डीसी ऑफिस पहुंचेगी। वहां पर वजीर आजम हिंद और सदर जमहूरिया के नाम मौसूम एक याददाश्त डिप्टी कमिश्नर के तवसुत से पेश की जाएगी। ऐसे में मैं मिल्लत के तमाम मकातिब फिक्र के लोगों से तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों से तमाम बुजुर्गों और नौजवानों से इस बात की हम यहाँ अपील करते हैं कि आप तमाम लोग अपने काम काज को आगे पीछे कर कर इस एहतजाजी रैली में शरीक रहें और मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दें। यकीन मानिए जब तक के हम इस मामले में हरकत नहीं करेंगे अपना एहतजाज दर्ज नहीं कराएंगे जब तक के हम हुकूमतों को ये पैगाम नहीं देंगे के बेजा जुल्म और ज्यादती को हम बर्दाश्त करने के मौकफ में नहीं है और ये हमारा इंतशारी है जो लोगों को हमारे ऊपर हाथ डालने पर और हमारे खिलाफ साजिशें रचने पर मजबूर कर रहा है। इस इंतशार को खत्म करने की जरूरत है और यहाँ इस कुल जमाती एहतजाजी रैली के जरिए ये बताना भी मकसूद है कि हम अपने तौर पर अकीदे के एतबार से हो या मसलक के एतबार से हो भले ही अलग अलग हो लेकिन जब बात कौम और मिल्लत की आती है तो हम सब एक हैं और हमारा सारा जो मतमा फिक्र रहेगा वो एक रहेगा। मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों से जहाँ तक ये बात पहुँच रही है इस बात की अपील करूँगा कि आप अपने तौर पर भी इस बात को लोगों तक पहुँचाएं कि जुमेरात के दिन 30 सितंबर को बाद नमाज जहर 2 बजे मदरसा महमूद गावान पर जमा हो जाए और वहां से इस एहतजाजी रैली का हिस्सा बने। शहरिया ने बीदर से और तमाम तंजीमों के जुम्मेदारों से और तमाम इदारा जात के जुम्मेदारों से और मिल्ली और समाजी तंजीमों से अदबन गुजारिश है क्योंकि ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है खसूस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये एहतजाज हम शहरियान बीदर के लिए बहुत ही ज़रूरी एहतजाज है और इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाने के लिए मैं तमाम मकतब फिक्र के तमाम जिम्मेदारों से अपील करता हूँ हमदर्दाना अपील करता हूँ कि आप अपने औकात को फारिग करके इस एहतजाज रैली में हिस्सा लें और मिल्लत मिली सबूत पेश फरमाएँ और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। मोहतरम हजरात हमारे लिए लम्हे फिक्र है कि आए दिन हुकूमत की जानिब से उलमाए कराम को गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके मकाम और मर्तबे को घटाया जा रहा है। ऐसे मौके पर और ख़ास तौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मद्दज़िल हुल आली की गिरफ्तारी पर बहुत सारी तंजीमें और मिल्लत के बहुत सारे अहबाब सब मिलकर एहतजाज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कर रहे हैं
हम सब की भी अपील है, जैसे अभी कादरी साहब ने फरमाया, हम सब का यानी इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत भी है, लिहाजा हम सब भी बरोज जुमेरात बाद नमाज जोहर 2 बजे से मदरसा महमूद गावा से एक पुरअमन रियादी के जरिए अपना एहतजाज हम करेंगे इंशाल्लाह। तमाम हमारे जितने मिल्ली जमाते हैं और जितने तंजीमें हैं, सबों से गुजारिश है कि हम मुनज़्ज़म होकर इस एहतजाज को कामयाब बनाएं। ये हमारा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और हम सब का मिल्ली फरीज़ा है कि हम एकजा होकर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बेजा गिरफ्तारी पर हम एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी हजरात इसको कामयाब करेंगे और अपील भी करता हूँ कि इसमें हर आदमी अपना फरीजा समझकर इस पैगाम को आम करें और अपनी शिरकत को लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी हमने सुना कि यहाँ एहतजाजी जुलूस निकाला जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। हम को मालूम है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमारे उलमाए कराम जो आज़ादी से लेकर आज तक मुल्क की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, इंसानों के अंदर मोहब्बत और खलूस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे उलमाए दीन को बदनाम करके इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम हो और एक दूसरे भाईचारगी के साथ हम यहाँ सुकून के साथ जिंदगी गुजारें। यही हमारा मकसद है कि हम हमारे जिम्मेदारों को, हमारे डिप्टी कमिश्नर को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जो काम हो हम सब मिलकर काम करें और इस तरह की गिरफ्तारियों को रोका जाए और इसे इसके जो हकीकत है इसको इस पर पहुँच कर इसकी तहकीकत की जाए और ये हमारे उलमाए दीन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इसके साथ इंसाफ किया जाए। अल्लाह हाफिज़। नास टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा मत। चैनल का तहे दिल से शुक्रिया। नास चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए प्लीज। मुगाम्बो बोल क्या बोलते हैं, लाइक।